सो भूख भी नहीं है और इतना बड़ा पिज्जा है भाई, मैं नहीं खा पाऊंगा किसी। बाकी ये देखिए काफी। सो दोस्तों ये कुछ व्यू है रात का जम्मू तवी। वो हमारे को पैसेंजर द्वारा ऑफर आया हमें सी। भाई क्या लूट मार में जाके रखी है तुम लोगों ने, 10 रुपए मिलते हैं भाई बिल लो। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई खूबसूरत यात्रा के साथ। तो फिलहाल अभी मैं हूँ शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन पे, जो कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर का उधमपुर रेलवे स्टेशन है। हाल ही में इसका नाम चेंज हुआ है, पहले इसका नाम उधमपुर था लेकिन अभी इसका नाम चेंज हो गया है। और आज की जो हमारी यात्रा होने वाली है वो इसी रेलवे स्टेशन से होने वाली है और काफ़ी स्पेशल ट्रेन है 22402 उधमपुर दिल्ली सराय रोहिला एसी सुपरफास्ट ट्रेन है, जो कि वीक में 3 दिन चलती है। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर स्टेशन के। सो दोस्तों बैग की जांच के बाद आ चुका हूँ मैं रेलवे स्टेशन के अंदर। और इस रेलवे स्टेशन पर वीडियो बनाना इतना अलाउड नहीं है क्योंकि ये जो रेलवे स्टेशन है ये आर्मी के अंडर ही आता है और यहाँ पर आपको कोने कोने पर पुलिस वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। और ये हमारा उधमपुर और ये लगी हमारी गाड़ी। तो चलिए अभी कुछ खाते हैं यहाँ से, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आपकी यात्रा उधमपुर से है ना तो यहाँ पे आपको कोई भी कैंटीन वगैरह नहीं मिलेगी। स्टेशन पे ही थोड़ा बहुत आपको खाने को मिल जाएगा, वो क्या मिलेगा वो अभी देख लेते हैं। मुझे लगता है छोले भटूरे मिलेंगे। सो यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म छोले भटूरे बन रहे हैं भाई। तो अभी हम खा रहे हैं भाई छोले भटूरे, जो कि हमने उधमपुर रेलवे स्टेशन से ही लिए हैं छोले भटूरे, जो कि गर्म है, एवरेज है, इतने गर्म नहीं है इतने ठंडे भी नहीं है। ये देखिए भाई टेस्ट की बात करें तो भाई छोले भटूरे एकदम बढ़िया है भाई, लुधियाना से तो लाख गुना अच्छे हैं भाई। भटूरे वगैरह हमने ख़त्म कर लिए हैं और जो भटूरे की प्लेट थी ना वो 50 रुपए की पड़ी है, लेकिन उससे पेट नहीं भरा लेकिन काफ़ी अच्छे थे भाई। और अब ये चावल लिए हैं राजमा चावल, ये भी हमें 50 के पड़े हैं भाई, तो ये भी ट्राई करते हैं। ये भी इसी स्टॉल से लिए, एक ही स्टॉल है यहाँ पे, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे स्टॉल है, ये एक ही है बस। चावल भी भाई एकदम नंबर वन नगर जैसा स्वाद है भाई। खाना वगैरह खा के आ चुका हूँ मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और ये हमारे पीछे लगी है उधमपुर दिल्ली सराय रोहिला एसी एक्सप्रेस। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये वीक में संडे ट्यूसडे और थर्सडे को चलती है। चलने का टाइम है इसका शाम को 6:05 पे उधमपुर से निकलती है। 629 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद दूसरे दिन सुबह 3:55 पे आपको दिल्ली सराय रोहिला पहुंचाती है। 9 घंटे और 50 मिनट लेती है इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, लगभग 6 इसके हॉल्ट रहते हैं भाई। और आज हम यात्रा करने वाले हैं इस ट्रेन के सेकेंड एसी में। A5 हमारा कोच है, बर्थ नंबर है हमारी 48। तो चलिए देख लेते हैं भाई अपनी 48। बाकी काफ़ी नई नई कोच लग रहे हैं मुझे और जो इसके साथ कोच लगे हैं वो नॉर्दर्न रेलवे के लगे हैं। बहुत अच्छी बात है, नॉर्दर्न रेलवे की ट्रेन है तो नॉर्दर्न रेलवे के ही लगेंगे, मैं भी क्या बात कर देता हूँ कभी कभी। बाकी ये देखिए काफ़ी अच्छा लग्जरी इंटीरियर लग रहा है भाई हमारी ट्रेन का। सो ये है भाई हमारी बर्थ 48 और हमें आज रेलवे ने दिया है साइड अपर, काफ़ी अच्छी बात है भाई। और यहाँ पे देखिए चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है भाई हमें फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए। बाकी यहाँ रीडिंग लैंप वगैरह, इंटीरियर आपको बहुत बार दिखाया हमने अपनी ट्रेन का भाई। चलो लगेज वगैरह रख लेते हैं और देख लेते हैं हमारी ट्रेन के साथ पावर कौन सी लगी है, इसके साथ लोकोमोटिव कौन सा लगा है। तो भैया अगर लोकोमोटिव की बात करें तो VAP 7 लगा हमारी ट्रेन के साथ, ई रोड शेड का। ट्रेन है नॉर्दर्न रेलवे की और लोकोमोटिव लगा है साउदर्न रेलवे का, ये क्या बात हुई भाई। टाइम देखिए 6:05 हो रहे हैं और अपनी ट्रेन रेडी हो चुकी है निकलने के लिए। देखिए दोस्तों निकल चुकी है अपनी ट्रेन उधमपुर से, अपने राइट टाइम पे डिपार्ट किया है भाई इसने। ठीक ठाक ठंड हो चुकी है, मुझे लगता है मुझे कैब वैब लगाने की ज़रूरत है अभी। हाँ जी कर देता हूँ भैया बंद, मैं एक मिनट रुक जाओ, अभी खुद ही कर देता हूँ। तो पीछे अटेंडेंट आ गया था क्योंकि ये सेकंड एसी है ना, यहाँ पे सिक्योरिटी का मामला है तो इसलिए भैया आ गए थे बंद करने के लिए। मैंने बोल दिया भाई खुद ही बंद कर देता हूँ। बाकी मैं बात कर रहा था ठंड काफ़ी हो चुकी है, मुझे लगता है कैब वैब लगाने की ज़रूरत पड़ जाएगी भाई अभी। और देखिए हमारी ट्रेन निकलती हुई देख लिया ना अपने सेकंड एसी में कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। अभी ट्रेन स्टेशन पे ही थी और भैया बंद करने के लिए आ गए। और उधमपुर से हमारी ट्रेन पूरी पूरी खाली है, मुझे लगता है जम्मू तवी में पैक होगी भाई ये ट्रेन।
सो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है जम्मू तभी, लेकिन ट्रेन भाई काफी ज्यादा लेट हो चुकी है। पीछे एक स्टॉप था बजालसा करके, वहां पे ट्रेन खड़ी रही भाई, पता नहीं रूट का काम चल रहा है क्या चल रहा है, लेकिन ट्रेन बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है। सो दोस्तों ये कुछ व्यू है रात का जम्मू तवी का, काफी प्यारा लग रहा है भाई। सिटी देखिए, ये देखिए, ये पूरा भाई जम्मू तवी है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गई जम्मू तवी में। तो ये देखिए भाई हमारी ट्रेन अराइव कर रही है अभी जम्मू तवी में भाई। देखिए अंधेरा काफ़ी हो चुका है भाई और लेट भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है हमारी ये ट्रेन भाई। और जम्मू में देखिए हमारी ट्रेन पूरी पैक होने वाली है भाई, इस भीड़ भाड़ को देख के आप जायजा लगा सकते हो, एक भी भाई बंदा खाली नहीं है, सब इस ट्रेन से जाने वाले हैं। देखिए पूरा का पूरा स्टेशन भरा हुआ है भाई जम्मू तभी। देखिए इधर भी देखिए, चाहे अंधेरा हो लाइट हो, लोग ही लोग है भाई, हर तरफ लोग ही लोग है। देखो तो दोस्तों टाइम हो रहा है लगभग 8:15 हो रहे हैं और शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन से लगभग 53 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है अपने पहले हॉल्ट पे, जो अपना भाई जम्मू तवी JAT जम्मू तवी का स्टेशन कोड है। और यहाँ पे ये ट्रेन लगभग 1 घंटा और 8 मिनट की देरी से आई है भाई, बुरा हाल हो गया भाई, ट्रेन लेट हो गई है। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 3 है, 7 ट्रेनें पर डे यहाँ पे हॉल्ट करती हैं, 26 ट्रेन ओरिजिनेट और 26 ट्रेन ही टर्मिनेट करती हैं अपने जम्मू तवी पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है और बहुत सारी ट्रेनें जम्मू कश्मीर जाने वाली जम्मू से ही ओरिजिनेट होती है भाई। और इस ट्रेन के सामने बिल्कुल लगी है हमारी जम्मू तवी से चलकर जोधपुर को जाने वाली भाई ट्रेन, इसमें भी हमने बहुत बार सफ़र किया है और जल्द ही इसमें अभी सर्दियां आएंगी तो सफ़र करेंगे हम। और खाने पीने में दोस्तों आज हमने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम ट्रेन से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक भी है, वो आएगी हमारी जलंधर में। अब भाई ये इस ट्रेन का ये हाल रहा तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, अभी मैंने ऑर्डर किया रेस्टोरेंट की साइड से, अभी कन्फर्म नहीं है ऑर्डर, देखते हैं कब कन्फर्म होता है, भगवान करे कन्फर्म हो जाए और ये ट्रेन थोड़ा बहुत अपना टाइम कवर कर जाए और हमें पिज़्ज़ा मिल जाए भाई, आज मज़ा आ जाएगा सच में यार। तो भाई देखिए 8 मिनट का होल्ट था यहाँ पे हमारी ट्रेन का, लेकिन यहाँ पे ये ट्रेन लगभग 15 मिनट खड़ी होगी भाई और निकल चुकी है भाई 1.25 घंटे की देरी के साथ जम्मू तवी से। अब देखते हैं जम्मू तवी से पठानकोट के बीच में ये अपना टाइम कवर कर पाती है कि नहीं कर पाती है, डिस्टेंस 100 किलोमीटर का है और देखते हैं कितना टाइम कवर कर पाती है या और ज़्यादा लेट हो जाती है। और ये जो ट्रेनें लेट हो रही हैं ना, इसका एक रीज़न मुझे पता है कि ट्रैक का थोड़ा बहुत काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है थोड़ी बहुत ट्रैक की, तो इसलिए भाई ट्रेनें थोड़ी लेट हो रही हैं। और ये देखिए भाई जम्मू तवी से निकलती हुई अपनी ट्रेन, बाय बाय जम्मू तवी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जम्मू तवी के बाद हमारी ट्रेन पूरी पैक होने वाली है और अभी एक ऑफर भी आ चुका है हमें, वो क्या ऑफर आया है, वो हमारे को पैसेंजर द्वारा ऑफर आया हमें सीट एक्सचेंज करने का, वो कह रहे हैं कि सेम हमारी भी वही सीट है तो आप वहाँ पे जाके बैठ जाओ। तो क्या करना पड़ेगा भाई, वो लोग 3 लोग हैं तो इसलिए मुझे इंसानियत दिखा के सीट एक्सचेंज कर देनी है। तो अभी देखना वो हमें कैसे बोलेंगे सीट एक्सचेंज करने को। ओके भैया कौन सा आपका? 30 है A4 का 30 इससे पिछले वाले में, ठीक है यही है ना सेम यही A430। ओके ओके थैंक यू दोस्त। ओके बोतल दे दो। आप कश्मीर से हो क्या? मैं जम्मू से ही हूं। अच्छा जम्मू से, ठीक। सो भाई ये कर ली हमने सीट एक्सचेंज और सेम हमें अपर वर्थ ही मिली है भाई। और अभी हमें एक दिक्कत होने वाली है भाई, जो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है ना वो दूसरी सीट पे आएगा, मतलब कि जिनके साथ मैंने एक्सचेंज किया ना उनकी सीट पे आएगा और मुझे उनकी सीट पे जाना पड़ेगा पिज़्ज़ा लेने के लिए अगर आया तो। चलो देखते हैं, बाकी सेकंड एसी में एक चीज़ बढ़िया होती है, ये कर्टन्स लगा के आप प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हो अपनी। देखिए एकदम रूम का रूम बन गया, देखो ये पूरी प्राइवेसी हो गई अपनी पर्सनल, देखिए
है ना सर, मेरा एक्सचेंज करवा दिया सर, 48 था A5 में। चलो देने वे कॉफी कितने की है? 20 की है, 20 की कॉफी किसी एंगल से 20 रुपए की दी। अब सोचा क्या रात को लड़ूंगा। देना है बिरयानी खाने के लिए, बोल देना भैया खाना लो, वेज बिरयानी है। गर्म है? नॉर्मल है, वो मिलती है। हाँ नॉर्मल मिलती है सर, इतनी गर्म नहीं मिलता। अभी थाली भी ठंडी बिक रही है 180 रुपए की। तो कितने की है? कितने की? 120 रुपए सर। खाना लो ये भैया, वेज बिरयानी है। भाई क्या लूट मार मचा के रखी है तुम लोगों ने, 10 रुपए मिलते हैं भाई। बिल लाओ ना 120 रुपए का इसका यार, 80 रुपए की बिरयानी तुम लोग साला 120 की बेच रहे हो। अरे बाबू ये बोल, हमें 10 रुपए मिल जाते हैं सर, यही तो कह रहे हैं। तो भाई 80 रुपए रेट है ना इसका, क्या कर रहे हो यार। 100 रुपए की तो उसने बोला है, 110 रुपए में बेचता हूं। किसने बोला है 100 रुपए की? मालिक साहब ने। बाबू ये कहां बैठा मालिक सर, इसलिए साहब कह रहे हैं। बताइए उसको, बोलो बिल लाओ जाओ। अच्छा सर थोड़े, कौन सा कोच चाहिए? A4। A4 कौन सी सीट है? यही 30। लो लो फिर देता हूँ पैसे, ठीक। 3, 4, 5 30 नंबर सीट है। 30 नंबर? हाँ 30 नंबर। भाई ट्रेन में हो रही है एकदम, बहुत ज़्यादा लूट मार हो रही है। मतलब एक तो इसमें पेंट्री कार नहीं है, इसमें ऑन बोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की फैसिलिटी है। और भाई लूट हो रही है ना, क्या बताऊँ मैं। चाय ली पहले हमने, नॉर्मल कॉफ़ी थी वो भी 20 रुपये की थी, एकदम बकवास टेस्ट था उसका, मैं कुछ नहीं बोला। अब ये बिरयानी ली है, ये 120 रुपए की वेज बिरयानी बेची जा रही है। बताओ 80 रुपए की मतलब बिरयानी है, 120 की बेची जा रही है, एकदम ठंडी है भाई। अब मजबूरी में खानी पड़ रही है। मैंने ऑर्डर तो किया था भाई पिज़्ज़ा, लेकिन पिज़्ज़ा नहीं आएगा क्योंकि जलंधर में लेट हो जाएगी ट्रेन और अभी तक ऑर्डर कन्फर्म ही नहीं किया गया रेस्टोरेंट द्वारा। तो यही दिक्कत होती है यार, जब ट्रेन लेट हो जाती है तो खाना भी नहीं आएगा। अब चलो यही खाके करते हैं टाइम पास, क्या कर सकते हैं भाई। इस ट्रेन का नाम होना चाहिए लूट मार के का दूसरा नाम। ये कुछ ऐसी बिरयानी है देखिए, अब देखते हैं ताज़ी है कि नहीं है, बता देते हैं आपको। बिरयानी है वो तो चलो ठीक है यार, सर्दियों के टाइम में ठंडी हो जाती है, लेकिन लूट मार बहुत है भाई। हेलो, कॉफ़ी भी आया और वो 20 की कॉफ़ी भेज रहा है, एकदम बकवास कॉफ़ी। मैंने बोला छोड़ो यार, ये तो सही है, दूध अमूल का लगाता है। अच्छा अच्छा दूध अमूल का लगाता है। चलो बंदा अब चुपके से आया, मेरे को ऐसे पिंच करता, ऐसे करके पिंच किया और बोला कि भाई 80 दे दो। चलो 80 रुपये काट लिए हमारे। चलो भाई स्वागत है आप सभी का पंजाब में भाई। पंजाब के पठानकोट में अप्रोच कर रही है अपनी ट्रेन, सुनसान पड़ा हुआ है अपना पठानकोट से, एकदम सुनसान है भाई। तो दोस्तों टाइम हो रहा है रात के 10:10 और 152 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी ट्रेन ने उधमपुर से कवर कर लिया है और 1 घंटा और 22 मिनट की देरी के साथ वो पहुंच चुके हैं अपने दूसरे हॉल्ट पे, जो अपना पठानकोट कैंट। और जो पठानकोट कैंट है ये अपना पड़ता है भाई पंजाब में, बहुत बार मैंने आपको बताया PTKC इसका स्टेशन कोड है। और इस स्टेशन पे इस ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन भाई इतनी लेट है ना, इसका मन ही नहीं है भाई रुकने का, पता नहीं रुकेगी कि नहीं रुकेगी। हम भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुके हैं भाई ट्रेन लेट होने की वजह से, क्योंकि हमारा जो पिज़्ज़ा आना था वो अब नहीं आ पाएगा क्योंकि रेस्टोरेंट ने ऑर्डर ही नहीं कन्फर्म किया। अंगली एक एक दे दो। देखिए दोस्तों निकल चुके हैं अपनी ट्रेन पठानकोट कैंट से, और पठानकोट कैंट को चक्की बैंक के नाम से भी जाना जाता है भाई। अगर नंबर ऑफ होल्टिंग ट्रेनों की बात करें तो इस स्टेशन पे 99 ट्रेनों का पर डे हॉल्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन अपना इस रूट का। बाकी पठानकोट में 2 रेलवे स्टेशन है, एक पठानकोट कैंट और एक पठानकोट जंक्शन।
जितना पठानकोट कैंट इम्पोर्टेंट है उतना पठानकोट जंक्शन नहीं है। दोस्तों क्या आपको पता है इस ट्रेन को पहली बार कब चलाया गया था? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, 12 अप्रैल 2013 में इस ट्रेन को पहली बार चलाया गया था, शुक्रवार का वो दिन था। तो चलिए अभी गेट कर लेते हैं हम बंद इसका और वॉशरूम रिव्यू कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो जैसे आप वॉशरूम में आते हो तो यहाँ पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है, यहाँ पे आपको डस्टबिन मिलता है और यहाँ भी डस्टबिन मिलता है। यहाँ पे देखिए वॉश बेसिन एकदम क्लीन है और मिरर देखिए थोड़ा बहुत गंदा हो चुका है। तो चलिए वॉशरूम रिव्यू कर लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम के अंदर। तो जैसे आप अंदर आते हो यहाँ पे आपको लिक्विड सोप मिलता है, यहाँ पे वाटर टैप मिलता है जो कि चल रहा है, वॉश बेसिन क्लीन है और एग्जॉस्टर देखिए कुछ इस तरह का है। यहाँ पे स्मोक नहीं करने का लाइट मिलती है, शीशा मिरर मिलता है जो कि नीट एंड क्लीन है। बाकी वॉशरूम के रिव्यू की बात करें तो वॉशरूम नीट एंड क्लीन है। एंड ये मेरे को क्या हो गया पता है, ये देखो ये मेरे को लग गई भाई, पता नहीं कैसे लग गई, कुछ बजा मेरे को यहाँ पे और अभी निशान पड़ गया देखो। चलो छोटी छोटी बातें होती रहती है, मैं वॉशरूम की बात कर रहा था। तो वॉशरूम नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल स्मेल नहीं है। रेटिंग दूंगा इसको मैं 10 में से 8। तो इसको कर लेते हैं बंद। बाकी ये पठानकोट से केक लिया था खाने के लिए, अब इसको ही खाते हैं। अगर देखते हैं हमारा ऑर्डर कंफर्म होता है जलंधर में पिज़्ज़े का तो दिखाएंगे, अदरवाइज़ हम सो जाएंगे, ठीक है। सारे पैसेंजर सो चुके हैं तो इसलिए हम भी थोड़ा सोने जा रहे हैं, केक खाते खाते सो जाएंगे, ठीक है। अब यार सैकिड एसी में जर्नी कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। एक तो पैसे इतने नहीं लगते, ऊपर से प्राइवेसी भी। बाकी आपका कौन सा फेवरेट कोच है कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। भाई अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और एक काम ख़राब हो गया भाई। मुझे लगा था डोमिनोज वाले ऑर्डर नहीं उठाएंगे क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी, वहाँ पे जो एक्सपेक्टेड टाइम था उससे ऊपर हो गया था, तो मैंने इसलिए बिरयानी खा ली। अब डोमिनोज वाले फ़ोन कर रहे हैं कि अपना ऑर्डर लो वरना वो आ जाएंगे, तो अभी भाई ऑर्डर लेना पड़ रहा है। भूख तो मुझे नहीं है लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई बताओ ना तुम। ऊपर से कोल्ड ड्रिंक भी है, कोल्ड ड्रिंक तो चलो अभी हम नहीं पियेंगे लेकिन पिज़्ज़ा खाना पड़ेगा अभी। टाइम देख लो कितना हो गया भाई, 11:30 हो गया, अगर यकीन नहीं हो रहा आपको देख। चलो भाई आ गया हमारा जलंधर और यहीं पे आएगा हमारा पिज़्ज़ा। और यहाँ पे देखो ना बंदा है ना बंदे की याद है देखो। और मैं क्यों उतरा हूँ, मजबूरी सब कुछ करवाती है भाई देखिए। और जलंधर जो रेलवे स्टेशन है ये पूरा का पूरा बन रहा है भाई, नया रेनोवेट हो रहा है देखो, इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं देखो स्टेशन पे भाई, हे भगवान। ओ भाऊ ओपरा बड़ी ठंड है यार, ट्रेन लेट हो गई भा तेरू है विशाल विशाल विशाल। बाकी देख लो भाई रात को स्यापा पड़ी है भाई डोमिनोज वालों का और सारा कोच सोया हुआ है। भाई ने भी ऑर्डर किया था, मैं और भाई लेने गए थे आधी रात को पिज़्ज़ा भाई। सो भाई ये आ गया अपना डोमिनोज और ये कुछ साथ में और ये नैपकिन दिए, कर लेते हैं इसको ओपन। सो भूख भी नहीं है और इतना बड़ा पिज़्ज़ा है भाई मैं नहीं खा पाऊँगा इसको मुझे लगता है भाई। साथ में कोक भी है, कोक सुबह पियेंगे भाई, और एक कोक नहीं पेप्सी की यार। डोमिनोज का जवाब नहीं है भाई, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता लेकिन कभी कभार खा लेना चाहिए। चलिए खा लेते हैं इसको, उसके बाद आपको गुड नाइट बोलते हैं भाई। इतना पिज़्ज़ा था ना भी, ना मैं किसी को दे सकता हूँ ना कुछ, लेकिन मैंने धीरे धीरे खा ही दिया भाई। सो भाई हो गया सब कुछ, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा लिया, एक जा रहा हूँ मैं सोने के लिए, ठीक है, गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, पहुँच चुका है भाई दिल्ली में और टाइम हो रहा है भाई 4:45, लेकिन जो इसका टाइम था वो 3:55 पे था, तो लगा लो कितनी लेट हो गई ट्रेन। तो चले भाई उठते हैं, सारी बात उठ चुके हैं, ट्रेन खाली हो चुकी है पूरी और हम अभी तक सोए पड़े हैं भाई। पर यार ये इनका बड़ा गंदा सिस्टम है, अभी मैं उठा भी नहीं और भाई इन्होंने लाइट बंद कर दी।
सो गाइस पहुंच चुके हैं हम दिल्ली में और देखिए अपनी दिल्ली सराय रोहिला सुबह 5 बजे का दृश्य देखिए भाई, हर तरफ फ्लाइटें जली हुई हैं भाई, एकदम बढ़िया स्टेशन लग रहा है भाई अपना दिल्ली। 3:55 पे टाइम था लेकिन 4:55 पे पहुंची, ठीक है भाई 1 घंटा लेट पहुंची। पहले मुझे बुरा लग रहा था लेकिन अब मुझे सही लग रहा है क्योंकि भाई 1 घंटा एक्स्ट्रा सोने को मिल गया, ठीक है, वरना 3:55 पे भाई 4 बजे उठना पड़ता, लेकिन ठीक है भाई 5 बजे उठे हम। तो करते हैं इस जर्नी को यही पेंट। आज की जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारा जर्नी एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा, बढ़िया गाड़ी है भाई, शाम को बैठो सुबह 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 दिल्ली पहुंचा देती है आपको। मिलेंगे आपको एक नई खूबसूरत यात्रा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।